दोस्तों, आज मैं आपको माउथ हार्मोनियम, जो बहुत फेमस वाद्य होता है, इसके बारे में कुछ टेक्निकली आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मेलोडी और हारमोनी क्या होता है। मेलोडी जो है सिंगल नोट्स जो इसमें बने हुए हैं, यहाँ पर जब हम सिंगल नोट्स बजाते हैं वो मेलोडी कहलाता है, और हार्मोनाइजेशन जब दो या दो से अधिक स्वर अपन एक साथ बजाते हैं, या हम कहें स्वर समूह है, तब वो हार्मोनाइजेशन हो जाता है। माउथ ऑर्गन स्पेशली कई तरीके से बजाया जाता है, जिसमें टेक्निकली स्ट्रांग यदि आप हैं तो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजता है। तो पहला जो है, हम एक एक स्वर से जब बजाते हैं तो वो सिंपल माउथ ऑर्गन जैसा कि हम सुनते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये स्केल है, ये माउथ हॉर्न सी मेजर में है, तो ये सी की स्केल है। यदि हम इसको हिंदी में बोलें, सी को सा मान लें तो सारे गम पदनी सा। ये हम सिंपल नोट्स बजा रहे हैं। दूसरी टेक्निक इसमें है, जिसमें हम इसकी एयर को काट के इसमें वाइब्रेटोस देते हैं, और वैम्प जिसको बहुत पॉपुलरली हम कहते हैं वाइब्रेटोस के साथ में थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन एयर को काटते हुए करते हैं, जिसमें कि इसका होल्डिंग बहुत जरूरी है। इसका होल्ड ऐसे रखते हैं ताकि हम इसको यहां से एयर को काट कर इसको अलग अलग रिदम के हिसाब से हम इसको काटते हैं। दैट इज कॉल्ड वैम्पिंग। से यू कैन ट्राई दिस। इसके अलावा एक और टेक्निक है, जिसमें कि हम हमारी जबान का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अलग अलग टाइम सिग्नेचर के हिसाब से हम जबान से इसको रिदम देकर हम माउथ हॉर्न बजाते हैं। उसकी टेक्निक ये है कि जो सिंगल नोट जिसमें मेलोडी बज रही है, वो हम हमारे होंठ के यहाँ पर एक तरफ से बजाते हैं, दूसरी तरफ हम हमारी जबान को रख के इसको ढक देते हैं, और फिर हम जबान से हम इसको रिदम देते हैं। और कोई सा भी टाइम सिग्नेचर है या कोई सी भी ताल में हम उस रिदम को, जानकारी आपको रिदम की भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम जबान से उस रिदम को मेंटेन करते हैं। देखिए, मैं बजाता हूं। जबान को बीच में टच करके हम इसकी रिदम देते हैं। इसकी मोस्ट पॉपुलर और थोड़ी सी डिफिकल्ट एक और टेक्निक है, जिसमें हम ऑक्टेव टू ऑक्टेव को हम जबान के बीच में रखते हुए बजाते हैं। यानी कि यदि हम सी यहां बजाते हैं, सी दूसरा यहां पर ऑक्टेव में रहता है, बीच में हमारी जबान रहती है, और उसको हम बजाते हैं तो वो जैसे कपलर हारमोनियम होते हैं, या एक नोट में एक एक साथ साथ दो दो नोट बजते हैं, उसी प्रकार से माउथ हॉर्न में रिदम देते हुए दो स्वर एक साथ बजते हैं। देखिए, मैं बजाता हूं। इसके लिए आपको होंठ चौड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि एक सी आपका यहां रहेगा, एक सी यहां पर रहेगा। जब आप स्लाइड करेंगे तो डी यहां पर रहेगा, डी यहां पर रहेगा। सो आपको अपना होंठ चौड़े करने पड़ेंगे ताकि आप यहां का हिस्सा कवर कर सकें। दो नोट्स हैं, दो नोट्स एक साथ बज रहे हैं। इसमें एक नोट बज रहा है, बाकी जबान पर है, वैम करेंगे। यू कैन ट्राई दिस। और जो हम लर्निंग जब पहले करते हैं तो हम सिंगल नोट से करते हैं,
तो ये आप ट्राई कीजिए एंड यू विल सक्सेस इन माउथ हॉर्न प्लेइंग विथ ऑल दीज टेक्निक्स. थैंक यू.